ये एक नेचुरल भ्रांति है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम ज्योतिषी बन जाएंगे तो हमारी हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैं तो इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे तो हेल्थ पे तभी इम्पैक्ट आया जब मेरी दशा हेल्थ ख़राब होने की आई, नहीं तो पहले दिन से आता। इनफैक्ट मैंने जितने लोगों को देखा है जो कि ज्योतिष करते हैं, आपका हेल्थ पर केवल एक कारण से इम्पैक्ट आ सकता है ज्योतिष करने के बाद, अगर तो आपका इंटेंट उसमें कहीं पावर फेम और पैसा फंस जाए, तो आप साधना तो एनीवेज बढ़ानी है, बट इंश्योर दैट यू डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू दिस। क्योंकि देखो आपको दो कुंडली रोज आने लगी, अब आपके वो सब रिश्तेदार भी बरसाती मेढक की तरह बाहर आने लगे होंगे जिन्होंने आपकी तरफ पिछले 40 साल में देखा तक नहीं, वो उनके भी सबके आप खास हो गए होंगे, अब आप किसी का फोन नहीं उठा रहे हो तो अभी वो बुरा नहीं मान रहा है। तो आपके आसपास की परिस्थितियां जैसे ही आप ज्योतिष सीखते हो वो इसी फॉर्मेट में बदलती हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए उपयोगी हो जाते हो, क्योंकि पीपल थिंक दैट दिस मैन इज यूजफुल फॉर मी, राइट। तो अपने एक उपयोगी आदमी के साथ में कोई संबंध खराब नहीं करना चाहता, तो उस केस में कभी कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि हम वाकई में उपयोगी हो गए हैं, या फिर इट इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ माई टैलेंट। सो ये विद्या टैलेंट से नहीं आती, ये तो कृपा से आती है। तो आप वहां पर चेक करो कि वहां तो गलती नहीं हो रही, अहंकार तो नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंस मिलने का आदत तो नहीं हो गई, कि कहीं जाते हो तो ऐसा लगता है शादी में गए तो कि चार लोग तो मेरे से आके पूछना चाहिए, वो ट्वीक करने का जरूरत है। दूसरा ये देखो कि कहीं आप लोगों को जज तो नहीं करने लगे, अगर एक डॉक्टर लोगों को जज करने लगे ना तो डॉक्टर का जीवन नरक हो जाए, क्योंकि वो तो उसको तो लगेगा अरे ये तो इसका तो लीवर खराब है, ये तो शराब पीता है इसकी वजह से इसका डाइजेशन खराब है, ये औरत तो दिन भर मिर्ची का खाना खाती है इसलिए इसको ये तकलीफ है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई, ये जो जजिंग का पैटर्न है ये साधना से ब्रेक होता है, सो वी शुड ऑलवेज ट्राई दैट वी शुड नॉट जज पीपल। कभी कभी ज्योतिषियों के मन में ये भाव आने लगता है कि क्योंकि आपके आसपास अब ऐसे लोग होते हैं जिनको समस्या आती है, तो कई बार वही व्यक्ति जो आपके सामने कल बैठ के रो रहा था वो जब अपनी सेल्फी डालता है इंस्टा पे तो आपको लगता है अरे ये तो कल रो रहा था आज किस हिसाब से सेल्फी डाल रहा है, तो आपको ये लगने लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है जिसने मुझसे कल जो बताया है वो झूठ बोला है इसने मुझसे, बट ऐसा होता नहीं है, वो आपके पास आया था भाई, आपके पास तो इसीलिए आया था कि आप उसकी समस्या का सोल्यूशन दें। तो जज नहीं करना है, ईगो को चेक करना है। तीसरी चीज, जब लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे तो इंश्योर दैट यू आर नॉट मिसबिहेविंग विद पीपल। आपका जब व्यस्तता बढ़ती जाती है ऑब्वियसली आप हर आदमी को अकोमोडेट नहीं कर सकते, आपको अपना काम धंधा भी करना है, बीवी बच्चे भी देखने, और साथ में इनका तो कोई टाइम है ही नहीं, वो रात में 1 बजे भी घनघनाएगा आपको फोन, 2 बजे SMS आएगा, सब होगा। बट एटलीस्ट वी शुड मेक आर सेल्फ लाइक दिस कि हम लोगों के साथ में मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं, भगवान ने हमारे ऊपर एक कृपा की है जिसकी वजह से हमें ये विद्या आई है, तो उस कृपा को जब तक आप महसूस करते रहोगे कि ये कृपा की वजह से आया है, तब तक मैं आपको कमिट कर रहा हूँ कि आपका वेल्थ बढ़ेगा, आपका हेल्थ बढ़ेगा, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपके चेहरे पर ममता दिखने लगेगी, बिकॉज आपको इतना कंपैशन आएगा लोगों से, क्योंकि आपको लगेगा कि यार वाकई में लोगों को बहुत तकलीफ है। ज्योतिष सीखने के बाद मेरे अंदर ये भाव आना चाहिए कि लोगों को कितनी तकलीफ है यार, इसके सामने अपनी तकलीफ तो कुछ है ही नहीं, तो वी बिकम मोर बेटर ह्यूमन। क्यों? क्योंकि हम फिर ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं भगवान के प्रति। हमारे तो लाइफ में क्या है यार, एक आध दो इशू है थोड़े बहुत, किसी का तो कितना तकलीफ है लोगों की लाइफ में, सो वो ब्रह्मत पालो।